की पहली दावत, यूट्यूब में पहली कामयाबी की दावत खाने जा रहे हैं। ये तुम्हारी दावत है, मेरी दावत है, हम सबकी दावत है। बड़े खूबसूरत बर्ड्स हैं, आवाजें भी बड़ी प्यारी लग रही हैं। इतनी तोते हैं, क्या चीजें हैं, आप बताइए क्या। वैसे चुपके चुपके ऐसा ऐसा चीजें आ रही हैं, मड्डियां आ रही हैं ट्रेन के डब्बों की तरह। अभी मैंने अपनी मेरी मड्डी पहुंची नहीं थी, पीछे से पता लगा पकौड़े भी आ रहे हैं पीछे ना, रेलगाड़ी के डब्बे की तरह। मैं जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्रांड कपल में आपको वेलकम करते हैं। जी हाँ वीवर्स, आज जो है ना अम्मी जो है, अम्मी को हम लेकर आए थे अपने घर, क्योंकि अम्मी थी सिस्टर के घर। और जो है ना अम्मी ने कहा मैंने जाना है, मैंने कहा अम्मा जी तुम कितने चले, उन्हें आयो और उन्हें पसंद है। तो फिर अम्मी ने कहा कि जो है ना मेरे पोते का फोन आ रहा है। पोते ने कहा, मेरे भतीजे ने कहा कि जो है ना दादो आप फटाफट लाहौर पहुंचे, मैं बड़ा उदास हो गया हूँ। मैंने कहा नहीं जाना, कुछ दिन मेरे पास रह जाओ। तो मेरे भतीजे ने मुझे कहा चाचू अगर दादो ना पहुंची तो मैं मुल्तान पहुंच जाऊंगा और जो है ना फिर मैं फटे चख दूंगा। देखा, कहता मैं चुक के ले जाऊंगा, फिर आपको भी चुक दूंगा, दादो को भी चुक के ले जाऊंगा। देखें एक वो दौर था जब हम इसे चुकते थे अपने भतीजे को, आज वो हमें चुकने की धमकी देता है। चुकने पे खड़ा हुआ है। और आज बड़े मजेदार बात बताऊं, आज है दावत, एक जगह से आई है दावत और आज हम दावत उड़ाने जा रहे हैं। मेरी बहन के घर से दावत आई है मजेदार, मेरी साली के घर, आपके साली के, मेरी साली के घर से आई है। और जो है ना आज व्यूअर्स, आज हम कुक्कड़ शुक्कड़ फाड़ देंगे, सिर फाड़ देंगे और कुक्कड़ खाएंगे। क्या क्या चीज है वैसे वहाँ, अब जाके पता लगे। सरप्राइज है, कामयाबी की पहली दावत, यूट्यूब में पहली कामयाबी की दावत खाने जा रहे हैं। ये तुम्हारी दावत है, मेरी दावत है, हम सबकी दावत है। समझ लेंगे, मेरी भी दावत है। मैं समझा भी वर्ग, ये तो मारिया की दावत है, ये तो मेरी भी दावत आ गई है। इस मतलब सबसे पहले हम अम्मी को ड्राइवर के टर्मिनल पे छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे दावत उड़ाने। एंड न्यू व्लॉग देखने से पहले आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्ट्रॉन्ग ब्रांड कपल आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमें जो है ना बड़ी मेहनत से हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं और इधर पहुंचे हैं, आप हमें 4 से 5 मिनट का वॉच टाइम जरूर दें ताकि अपने पांव पे खड़े हो सके, हमें अर्निंग स्टार्ट हो सके। क्योंकि जितने आप सब्सक्राइबर आए हैं हमें वॉच नहीं कर रहे, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप 4 साल से अब तक की हमारी वीडियोज देखें और आज देखें तो हम हर दिन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोज देखते हैं लेकिन हम जैसों के भी वीडियो देखें, नेकी भी मिलेगी और हमें वॉच टाइम मिलेगा और हमें कुछ अर्निंग हो सके। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक न किया, सब्सक्राइब न किया और शेयर न किया तो फिर हम मुंह हमारे लटक जाएंगे, यूं जाएंगे और हम रो देंगे, रो देंगे। हमें रोने देंगे आप? नहीं रोने देंगे। और अगर हम हमें नहीं रोने देंगे तो जरूर 4-5 मिनट वॉच कर लें, 5 मिनट समझे दिन में आपने नेकी करनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना वीडियो और को। 5 मिनट की आपने नेकी करनी है और डेली करनी है। और हमारी वीडियो को डेली 6 बजे हम अपलोड करते हैं, पब्लिक करते हैं, हमें वॉच कीजिएगा। अब रक्षे वाला आ गया और इनकी अम्मी को हम बस छोड़ने जा रहे हैं और भाई रक्षे वाला आवाजें दे रहे हैं और लोग देखे आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। बोतल है खाली तुम्हारे को? नहीं, कोई नहीं, मैं डे नहीं है, पानी की बोतल मांग रहा है बंदा। ओके अड्डे पहुंच गए हैं, अम्मी लाहौर जा रही हैं, अम्मी को छोड़ने आए थे, अम्मी के बैग वगैरह और जहांगीर टिकट लेने गए हैं, अम्मी उतरी हैं, टिकट शिकट लेकर फिर आएंगे, अम्मी को छोड़ के फिर आके हम काम पे जाएंगे। आज तो हमें दावत का भी नौता है, अब इन्विटेशन आया है मेरी बहन के घर से, दोपहर का खाना मेरी तरफ है तो आज दोपहर का खाना बहन की तरफ खाएंगे। बहन के घर आए हैं, उन्होंने बुलाया था खाने पे और ये सामने मेरा बहुत पुराना अम्मी का घर है। जी हाँ जी हाँ, रक्षे वाले पे बात है, बहन के घर की बैल बजाते हैं। ले आई हूँ मैं जहांगीर, आज तो बड़ी बड़ी दावतें हैं, आज जी मारिया की सिस्टर के घर आए हुए हैं और बाजी ने दावत की थी हमारी। और जो कोई खास बात? बस वो असल में है ना अपने मोहब्बत से है ना हमेशा बुलाती हैं, आज उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया, काफ़ी अरसा हो गया तो हम आए हैं, थोड़ा पर्दे का उनका होता है तो इसलिए जहांगीर को इधर बिठाते हैं।
जब मुझे कहा ना फोन पे पता चला कि दावत है, मैं समझाऊ पता नहीं कोई बेटे की कोई मम्मी वगैरह है, कोई खुशी की बात है, कोई मिठाई विठाई होगी, यहाँ आगे पता चल जाए जी वो अभी बेटे को दे रहे। तो बड़ा जो है अब हम खाना खाने लगे हैं। खाने में क्या क्या है? सैलेड है इस खाने में, सैलेड है, फ्रूट है इसमें, और वेजिटेबल्स हैं, और चिकन है, और साथ पानी रखे आप खाएं। और मेरा खाना तो ठंडा हो रहा है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? मजे 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 साथ बैठ के खा भी नहीं रही, बहन के साथ खाऊंगी ना, आपके साथ नहीं खाती मैं, ठीक है? बाय 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 फैमिली के साथ मैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। व्यूअर्स अब अपनी बहन के घर आए हैं, जहांगीर को खाना देके मैं आ गई हूँ। वो पहले खा रहे हैं, आपको पता है शादियों में पहले खाना कौन खाते हैं? जेंट्स। आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जेंट्स पहले खाना क्यों खाते हैं, उनको पहले क्यों दिया जाता है, हम लेडीज़ को हमेशा बाद में दिया जाता है, हैं? तो फिर अब खाना मेरा भी बाद में आया, तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ। अब खाने में आपको जहांगीर ने भी बता दिया है, सैलेड है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का, और साथ है सालन कढ़ाई जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, मैं हमेशा वेट करती हूँ ये कब बुलाएंगी और हम खाएंगे, और साथ तंदूर की रोटी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आपका भी पानी आ रहा होगा, तो आप आएँ आपको भी खिलाएँगे। चुपके चुपके आस्ता आस्ता चीज़ें आ रही हैं, मड्डियाँ आ रही हैं ट्रेन के डब्बों की तरह। अभी मैंने अपनी मेरी मड्डी पहुंची नहीं थी, पीछे से पता लगा पकोड़े भी आ रहे हैं पीछे ना, रेलगाड़ी के डब्बे की तरह। तो अब मेरे पकोड़े आ गए और अब पकोड़े खाएंगे, यकीन करें। पकोड़ा एक तरफ, खाना एक तरफ। पकोड़े को देख कर ना इंसान को मौसम और वेदर का एक वो चक्कर होता है ना, बरसात हो रही है और पकोड़े आ रहे हैं, और मज़ेदार पकोड़े। एक दफ़ा है ना, मैं खा के दिखाऊँ, आप देखें ना, कैमरा नहीं है मेरी तरफ, खा के खा, मज़ेदार, यम्मी, सो यम्मी, बहुत मज़ेदार है। चले मैं पकोड़े खाने लगी हूँ। ये मैं ना निवाला अगर लूँगी ना मेरी वीडियो ना वो हो जाएगी। चले मैं खाना खा के आपको बताती हूँ खाना कैसे बना हुआ था। ये मेरा मोस्ट फेवरेट खाना है, ये मैं बता दूँ आपको। चाय आ गई है, मेरी सिस्टर हैं उन्होंने चाय दी है, मेरी भांजी ने बनाई है, जहांगीर को दे आई हूँ। अब मैं चाय पीने लगी हूँ, मज़ेदार चाय, गर्मा गर्म चाय ले आई हूँ। जहांगीर चाय तो पी लें, नींद आ गई थी चाय। मुझे खाना खाया खाने में ऐसे जैसे खाना आ गया नींद का। कैसा तो कैसे बना हुआ था? बहुत मज़ेदार, जबरदस्त। और मैं आप ही को, अपनी बाजी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने पेट भर के खाया, इतना ज्यादा खाना नहीं खाया जा रहा था, बहुत ज्यादा दिया। और अब चाय आई, चाय की खुशबू तो बड़ी मजेदार है यार। उसने भांजी ने बनाई है आपकी, तुम्हें पता, माशाल्लाह। मेरी तरफ शुक्रिया अदा करना मेरे बच्चों को, और जो है ना मेरी बहन फरुखाबाद वाली बहुत ज्यादा परेशान है, घर जाके उसके मामले पे डिस्कस करेंगे। चले करते हैं करते हैं। पैदल जा रहे थे अपने घर को, अपने घर को जो रस्ते में आई है ये पैरोट्स की शॉप, इधर जाके देखते हैं कैसे पैरोट्स हैं, बोल रहे हैं बड़े खूबसूरत लग रहे हैं तोते। बड़े खूबसूरत बर्ड्स हैं, आवाज़ें भी बड़ी प्यारी लग रही हैं, इतनी तोते हैं, क्या चीज़ें हैं, आप बताइए है क्या वैसे। चलो चलते हैं हम, तो खूबसूरत है, मेरा दिल है कि मैं बोलने वाले तोते लूँ और खुद उसको ट्रेनिंग दे डेली की, अल्लाह अल्लाह करवाए उनसे। हम आ गए दावत से और बड़ा थक गए हैं, और दावत से आए अम्मी को छोड़ा, और बड़ा मज़ेदार सी दावत थी। और मज़ेदार गल तुम दसा, मैंने आज गिफ्ट मिली है, पहली कामयाबी यूट्यूब तो, सब तो पहला गिफ्ट मेरी भैन ने मैंने दिता है। की दिता है उन्हें? मैंने दिता है ए गाउन, उन्हें मैंने गाउन दिता है क्योंकि मेरा गाउन खराब होया। ये गाउन मैं भी पहन सकता हूँ? हाँ जी पहन सकते हैं, पहन के दिखाया। ये देखे ना, बाद ये गिफ्ट दिया इसको, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं दिया, पहन को देना था ना बाद। ये नहीं याद आते हैं, एक गिफ्ट दो, बंदे दो गिफ्ट एक, ये ऐसे करें आप पहन के देख ले कैसा लगता है। बात ये जाती है, व्यूअर क्या बताए, इट्स अनफेयर। जी हाँ, ये आवाज उठानी पड़ेगी आपको मेरे हक में, जहांगीर के हक में, बंदे दो गिफ्ट एक, बंदे दो गिफ्ट एक, इट्स अनफेयर। ये अब मैं भी पहनूंगा, तुम भी पहनोगी, कभी तुम कभी मैं, कभी तुम कभी मैं। और दूसरी बात ये व्यूअर, वाकई दावत में तो मैं पहले समझाऊ कोई दाल शाल होनी है, कोई चटनी होनी है, पानी आ गई, लेकिन बड़ा वीआईपी इंतजाम था, कुकर थे, और मैं बड़ा हैरान हुआ,
और जो है ना उसमें सैलेड बना हुआ जिसमें वेजिटेबल भी फ्रूट भी जो क्या कहते हैं वो गाजर मूली खीरा और केले और सारा कुछ एप्पल वगैरह। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार मिक्स सैलेड जिसमें वेजिटेबल भी होगी वो भी, और बड़ा उन्होंने मजेदार उन्होंने सर्व किया बड़े जबरदस्त तरीके से। और फिर चाय के साथ केक क्योंकि पहले दावत से पहले मैंने अम्मी को जाके छोड़ा डेवो के टर्मिनल पे और फिर मेरी आंखों में आ गए आंसू। फिर जो है ना वो आंसू इस तरह था क्योंकि हम फिर दावत पे गए तो दावत पे जाके फिर हम थोड़ा माहौल हमारा चेंज हुआ तो फिर हम आप घर आ चुके हैं। थोड़े परिंदे वेखे हुण कार आ गया बहुत थक चुके हैं हुण सान इजाजत भी दियो ते तुसी एक गल याद करो। एक गल की याद करनी है तुसी गल याद रखनी है सान लाइक करो सब्सक्राइब करो ते शेयर करो। तुसी साड़ी वीडियो नूं वेंदे क्यों नहीं हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें। 86,000 बंदा होके 86K होके तुसी लाख भी पूरा करना सान वेखना भी है 5 मिनट सारे दिन तुसी सान दे सकते हो। तुसी सान 5 मिनट दियोगे साड़ी दुआ भी लगेगी साड़ी अर्निंग शुरू होएगी ते फिर असी भी कुछ खा सकांगे तुहाडी दुआवां दे नाल। तुसी 5 मिनट सान देने आज हमारी कामयाबी के बाद मारिया की फर्स्ट दावत क्योंकि मैं अपना नहीं कहूंगा क्योंकि गिफ्ट इसको मिला है मुझे नहीं मिला इसकी दावत हुई है मेरी नहीं हुई। बस हम मुझे लाइक करें मुझे सपोर्ट करें आप मेरे चैनल को ताकि मुझे भी लोग इनवाइट करें मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों तो इसी मुझे इनवाइट करना है। इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफिज़।